हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बहुत झटपट बनने वाला गुलकंद बता रही हूँ जिसके आपको 10 फायदे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल ओरिजिनल बना है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान करने वाली हो। हाँ, फ़ायदा करने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसके आज मैं आपको 10 फायदे बताती हूँ। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ ये किस तरह से आप बना के रेडी कर सकती हैं। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं। गुलाब तो हर जगह नॉर्मली मिल ही जाती है, इनको अच्छे से आप वॉश कर लें, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने आधा बाउल से भी कम मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली, और इसको जो पंखुड़ियाँ हैं इनको मैं इसी तरह से हाथों से मैश करती जाऊँगी। इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, ना ही इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करना है, क्योंकि जब अगर आप मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड करेंगे तो इनमें कड़वाहट आ जाएगी। इसीलिए इनको इसी तरह से थोड़ा सा ही इस तरह से आपको मैश करते जाना है। इसके बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो की है मैंने और उस पर रख दिया है इनको बनने के लिए। तो बराबर से इसी तरह से चलाते रहें और कुछ ही मिनटों में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में ही ये बन के रेडी हो जाता है। मैं ये आपको झटपट बनने वाला गुलकंद बता रही हूँ। वैसे तो ये ओरिजिनल जो बनता है उसमें महीनों लग जाते हैं, वो धूप में बनाया जाता है, लेकिन मैं ये तुरंत ही वाला बता रही हूँ। तो इसको मैं बराबर से चलाती रहूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। शुगर सिरप से क्या होगा, जो ये पंखुड़ियाँ हैं वो भी अपना पानी छोड़ेंगी और शुगर सिरप का भी पानी रहेगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। मैंने ये ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ ज़्यादा नहीं ली हैं मैंने, तो इसीलिए मैं इसमें कम ही चीनी ऐड कर रही हूँ और शुगर सिरप भी मैंने 2 ही चम्मच डाला है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसमें आप चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने कलर ऐड नहीं किया है। अब ये 1 चम्मच मैंने इसमें शहद डाल दी है। इससे जो आपने चीनी डाली है और शुगर सिरप डाला है तो इसमें क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे, शहद से यही होता है, तो इसलिए शहद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके कई फ़ायदे होते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, नींद कम आ रही है, या आपको मुहासे हो गए हैं, या फिर आपको कोई भी झुर्रियाँ पड़ रही हों, तो अगर आप इसको रूटीन में लेंगे तो बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। तो ये देखिए गुलकंद बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपको बना के तैयार करना है, और अगर आप इसको रूटीन में खाएंगे तो आपकी पेट संबंधी कई बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। यानी कि जो आपके पेट में स्वेलिंग भी रहती है आँतों में, तो वो भी इससे रूटीन में खाने से ठीक हो जाती है। वैसे तो आपने इसको मिठाइयों में और पान में खाया होगा, लेकिन अगर आप रूटीन में इसी तरह से 1/2 चम्मच या 1 चम्मच लेंगे रात में सोने से पहले, तो इससे आपकी कई बीमारियां जो पेट संबंधी हैं, पेट साफ भी इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर लें और ज़रूर बनाएं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।